कुछ भी जहां ना था कल तक तेरा मेरा, वहां आज रिश्तों का सौदा होने लगा, चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे, अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। मुझे लगता है अगर मैं आप लोगों के साथ बैठूंगा तो आपको कोई इतराज नहीं। By the way, लो मुंह मीठा करो। खुशी इस बात की मैं कि मेरा BL सॉफ्टवेयर के साथ टाई अप हो गया। और इसी खुशी में सब लोग अपना मुंह मीठा करो। तुम ये भी मत भूलो कि तुम मेरे पति जरूर, लेकिन हमारी शादी एक समझौता थी। 25 करोड़ कहा जाए? अरे किस बिना में मांग रहे हो लोग मुझसे? एक तो अभी तक मैंने उनका कुछ पैसा इन्वेस्ट कराना शुरू नहीं किया, मैं ये हजारा नहीं दूंगा। ये फैसला उनका नहीं तो और किसका है तनु? हो सकता है साहिल, लेकिन सच्चाई को जाने बिना उन पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कब हुआ? मंदिर ऐसा कैसे कर सकती है? इतना नीचे कैसे गिर सकती है? क्या हो गया, तो परेशान क्यों है? मंदिरा ने आराधना के यहाँ लीगल नोटिस भेजा। क्यों? आराधना ने मंदिरा का क्या नुकसान कर दिया? मंदिरा ने मिस्टर मल्होत्रा की तरफ से नोटिस भेजा है और साहिल से 25 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। करो, लेकिन साहिल ने मल्होत्रा का इतना बड़ा क्या नुकसान कर दिया है? उसने कुछ नहीं किया है, ये तो सिर्फ मंदिरा की चाल है आराधना को परेशान करने की। बेचारी आराधना इतने पैसे कहां से लाएगी, कैसे भर पाएगी हर्जाना? पता नहीं, मेरी परवरिश में कहां क्या गलती हो गई जो मंदिरा इतनी खुदगर्ज हो गई। कहां से इतनी नफरत भर गई है उसके मन में, किसी की तकलीफ किसी का दुख वो समझ ही नहीं पा रही। मेरे एक बार कहने से आराधना ने अपने बेटे का कैरियर, उसके सपने सब कुछ भुलाकर मल्होत्रा एंड मल्होत्रा की डील कैंसिल कर दी। उसके इतने बड़े सेक्रीफाइस का ये बदला दे रही है मंदिरा? देखो बेटा, मंदिरा को जो कुछ भी करना है उसे करने दो, लेकिन इस वक्त आराधना को तुम्हारी मदद की जरूरत है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैं, इस मुसीबत में वो मेरी वजह से फंसी है, मुझे ही आराधना को इस मुसीबत से बाहर निकालना होगा। तुम वजह नहीं हो बेटा, तुमने जो कुछ भी किया अच्छे के लिए ही किया, शायद वक्त ठीक नहीं है इसलिए सही कदम भी गलत साबित हो जाता है। अब सही और गलत का फैसला ऊपर वाले पे छोड़ दो और आराधना की मदद करो, ईश्वर सब ठीक करेंगे। आज आप कुछ अलग अलग सी लग रही हैं। लेकिन अलग क्या यार, कान भी वही,
देखो 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 देखो, आंखें भी वही, नाक भी वही मोटी वाली, देखे एक मिनट देखे, हाँ आईब्रोज भी वही है यार। पूर्वा अपसेट हो क्या? नहीं। देखो इधर कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो फिर आज आपके इतने बड़े बड़े डायलॉग इतने छोटे छोटे कैसे हो गए? नहीं आदित्य, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, अब आप मुझे नहीं बताना चाहती तो ना बताइए, लेकिन इसका क्या होगा, तो इतनी दूर से चलकर आपसे मिलने आया नन्ना सा बच्चा। है ना क्यूट? बिल्कुल तुम्हारी तरह। नहीं, तुमसे थोड़ा कम। आदित्य, कॉफी चले। बिजनेस और पर्सनल रिलेशन दोनों अलग अलग बातें हैं, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मैं भी तो वही कह रही हूँ पापा, लेकिन पापा आप मुझे बताइए, आप जो साहिल के साथ कर रहे हैं वो पूरी तरीके से प्रोफेशनल है? तनु बेटा, पूरी तरीके से प्रोफेशनल। साहिल से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। लेकिन पापा, आपके बिजनेस के चक्कर में मेरा रिलेशन तो सफर कर रहा है ना। देखा आपने, वो लड़का इसे क्या पट्टी पढ़ा रहा है? अपने बिजनेस के लिए वो प्यार का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और तनु, तुम ऐसे इंसान के साथ रिश्ता बनाना चाहती हो जो रिश्ता ही फायदे के लिए बनाता हो? मामा प्लीज, साहिल ऐसा लड़का नहीं है। इनफैक्ट वो तो यहाँ तक चाहता था कि मैं आप दोनों से इस बारे में बात तक ना करूं। यही तो चालाकी है उसकी, जो तुम समझ नहीं पाई। पहले तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाकर वो हमारे साथ बिजनेस करना चाहता था, और जब वो डील नहीं हुई तो अब वो। मामा, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि साहिल ने अपनी काबिलियत के दम पर पापा के साथ ये पार्टनरशिप की थी, और ये डील उसने मंदिरा आंटी के लिए खुद कैंसिल की है। एग्जैक्टली, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। जब डील साहिल की तरफ से कैंसिल हुई है तो उसे हर जाना भुगतना था। अब इसमें तुम्हें अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है। वही तो मैं भी कह रही हूं। पापा देखिएगा, कहीं साहिल से हर जाना वसूलने के चक्कर में आप अपनी बेटी के रिश्ते को ऐसी जगह पिलाकर मत खड़ा कर दीजिएगा जहां आपकी बेटी को आपके इस कदम के लिए जिंदगी भर हजाना भुगतना पड़े। बेटा, प्यार के रिश्ते जितने मजबूत होते हैं ना, उतने नाजुक होते हैं। उन्हें बहुत प्यार से संभालना पड़ता है। तनु के साथ मल्होत्रा या कोई भी बिजनेस की बात लेकर प्लीज लड़ाई मत किया करो। तुम दोनों के बीच एक खूबसूरत रिश्ता है, उसे खूबसूरत रहने दो। क्या करूं माँ, मैं वो लीगल नोटिस ने इतना डिस्टर्ब कर दिया मुझे कि मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा। साहिल, करियर की शुरुआत में जितनी मुसीबतें आती है वो आगे जाके तुम्हें एक अच्छा बिजनेसमैन बनाती है, इसलिए प्लीज इनसे सीख लो।
और रही बात है सारी मुश्किलों की, तो उससे हम बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। बातें कर रही थी वो दाइमा, मैं खुद से बातें कर रही थी। या अल्लाह, ये बीमारी तो बहुत ही बुरी होती है, और ये बीमारी दो सूरतों में होती है। दो सूरतें? हाँ, एक तो तब जब किसी इंसान को किसी से इश्क हो जाता है, और दूसरी तब जब इंसान पागल हो जाता है। अब तू ही बता क्या हुआ। क्या कहा, मैं आपको पागल लगती हूँ? मुझे तो नहीं लगता। तो हो सकता है तुझे किसी से? दाइमा, मुझे किसी से प्यार व्यार नहीं हुआ है। मैंने ऐसा कब पूछा? दाइमा, आप मुझे अपनी बातों में फंसा रही हैं। हाय हाय, बहुत ही सीधी सादी है ना जो मेरी बातों में फंस जाएगी। बता बात क्या है। दाइमा, कौन सी बात? दाइमा, कहा ना कोई बात नहीं है, और अगर कोई बात हुई ना तो आई प्रॉमिस सबसे पहले आप ही को बताऊंगी। ए लड़की, मुझे पागल तो नहीं बना रही है ना? अब देखो दाइमा, ऊपर वाले ने जिसे जैसा बना दिया वैसा बना दिया, अब मैं इसमें और क्या बनाऊंगी। क्या कहा, ऊपर वाले ने मुझे पागल बनाया है? हाँ। हमारे प्यार में पागल। हेलो आंटी। अरे मैम। आंटी, मैं तनु से मिलने आया था, गिफ्ट लाया हूँ उसके लिए। एक मिनट, तनु? जी मामा। माइंग तुमसे मिलने आया है। तुम दोनों बातें करो। हाय तनु। हाय। कैसी हो? हाँ, ठीक हूँ। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया। ओह माय गॉड, इतना महंगा गिफ्ट, लेकिन तोहफे की कीमत नहीं, तोहफे देने वाले की नीयत को देखा जाता है। क्या ये मैं तुम्हें पहना सकता? Will you marry me, Tanu? Sorry, मैं शायद गलत था। Sorry.
साहिल, साहिल मेरी बात सुनो साहिल। मयंक ये सब क्या है? और इतना महंगा तोहफे देने की मुझे क्या जरूरत थी? क्योंकि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। इनफैक्ट तो उससे भी कुछ ज्यादा रिश्ता बनाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन मयंक, रिश्ते तोहफों की शक्ल में नहीं बनते। और प्लीज आइंदा से ऐसी हरकत मत करना, मुझे तोहफे बिल्कुल पसंद नहीं। तोहफा पसंद नहीं आया या तोहफा महंगा है ये पसंद नहीं आया? कम ऑन तनु, मैं साहिल की तरह नहीं हूं जो तुम्हें महंगे तोहफे देना अफोर्ड नहीं कर सकता। प्लीज मयंक, साहिल का नाम तो तुम मत लो। तुम्हारी वजह से वो मुझसे नाराज होकर चला गया। I don't believe this. तुम साहिल जैसे लड़के के लिए अपसेट हो? What do you mean by साहिल जैसे लड़के? अरे तनु, तुम इतने बड़े खानदान की लड़की, मल्होत्रा एंड मल्होत्रा इंडस्ट्रीज, और कहां वो बेचारा साहिल? क्या हैसियत है उसकी तुम्हारे सामने? उसकी हैसियत तो इतनी भी नहीं कि तुम्हारे स्टैंडर्ड की एक डेट तक अफोर्ड कर सके। मयंक, तुम्हें नहीं लग रहा है कि तुम अपनी लिमिट से बाहर जा रहे हो? और तुम कौन होते हो किसी की हैसियत दिखाने वाले, वो भी मेरे साहिल की? तुम उसकी क्या बराबरी कर रहे हो? मैं और साहिल की बराबरी? मैं भला एक लूजर की बराबरी क्यों करूंगा? लूजर साहिल नहीं, तुम हो मयंक। और एक बात ध्यान रखना, साहिल ने कुछ खोया नहीं बल्कि अपनी चीज दान में दी है। जो चीज दान में मिले उस पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ऐसी क्या बात है उस साहिल में कि तुम उसे इतना महान समझ रही हो? वो तुम जैसे लोगों की समझ में नहीं आएगी, इसलिए अपने दिमाग पर ज्यादा बोझ मत डालो। पर हाँ, एक बात ध्यान रखना, आइंदा से मेरे साहिल के खिलाफ बोलना तो दूर, सोचने की भी हिम्मत। प्लीज मेरी बात तो सुनो। फोन स्विच ऑफ है। साहिल समझता क्यों नहीं है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है? कैसे समझाऊं स्टूपिड को?
सारे क्रेडिट्स और शेयर्स के बाद भी हम सारे पैसों का इंतजाम नहीं कर पाएंगे मैम। इनफैक्ट आपके बंगले को गिरवी रख कर भी अमाउंट पूरा नहीं होता। आप लोग कुछ और नहीं कर सकते। माफ कीजिएगा मैडम, ये हमारा ऑफर मैक्सिमम है। कितने की अरेंजमेंट हुई है? कोई 15-20 करोड़, जबकि हमें जरूरत पूरे 50 करोड़ की है। 15-20 करोड़ से कुछ नहीं होगा। अगर मैं मेरा घर गिरवी रखने की बजाय बेच दूं तो भी नहीं मैडम। एक्सक्यूज मी, हेलो। हेलो आराधना बेटी, मैं बोल रहा हूँ पापा। हाँ बाबूजी, कैसे हैं आप? जिस बाप की बेटी इतनी मुसीबत में हो, वो बाप कैसा हो सकता है बेटी? डोंट वरी बाबूजी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें मिलने आ रहा हूँ बेटी। ये भी कोई पूछने की बात है? कभी भी आ जाइए बाबूजी, मैं आपका इंतजार करूँगी। ठीक है। खुशियों पर शनि बनकर बैठ गई है। राजदेव को तो अपनी बेटी से ज्यादा उस दो कौड़ी की आराधना की फिक्र रहती है। मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ भी जहां ना था कल तक तेरा मेरा, वहां आज रिश्तों का सौदा होने लगा। चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे, अब हार किसको मिले। Oh.